हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो ठीक ठाक हो गए हैं, और भाई हम लोग भी जो हैं ठीक ठाक हैं। तो आज जो है सैटरडे का दिन है और 9:45 हुए हैं। हम लोग जो है काम पर जा रहे हैं, और 15 मिनटों में जो है वो हमें काम पर जो है पहुंच जाना चाहिए। वैसे तो जस्ट जो है वो 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पर है, क्योंकि हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं। यह है कि टेम्परेचर भाई मस्त बेहतरीन हुआ पड़ा है यहाँ पे। ना सर्दी है ना गर्मी है, बस जो है ना बीच वाला ही है। क्योंकि पहले जो था वो टाइट वाली गर्मी हो रही थी, या फिर जो है बारिश हुआ तो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अगर इस तरह का टेम्परेचर यहाँ पर रहता है समर में तो भाई बहुत है, वेल एंड गुड है टेम्परेचर के हिसाब से भी पुर्तगाल। हाँ तो गाइज, अभी जो है वो हमारा काम ख़त्म हो गया है और हम लोग बस स्टेशन पे खड़े हैं। और बस जो है आज लेट आएगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, इसलिए लेट आएगी। मतलब कि 6:30 पे आ जाएगी या 40 पे आ जाएगी, 40 पे। और उसके अलावा मुझे भूख भी लगी है, ये ऐसा है भाई, भूख भी लगी है यार बहुत, पता नहीं क्यों। और जब मुझे भूख लगता है तो फिर जो है ना नींद आना शुरू हो जाती है। तो देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद ये घर दौरे जाएंगे। नहीं पड़ते तेरे? नहीं, दौरे नहीं पड़ते मुझे। हाँ तो गाइस, उसके अलावा ये भी था यूक्रेन के बारे में, जहाँ से हम लोग आए हैं, हम सब लोग आए हैं। तो वो जो है EU में जाएगा, या अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई डाल दिया बस शेंजिन में आ गया, मजे हैं, अब जाएंगे ये सामान छोड़ के आए, लेके आएंगे, ये होगा वो होगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उसको नहीं डाला है। और बस ये है कि उसको जस्ट प्रोसेस पे लगाया है, उसको जस्ट स्टेटस दिया है, कैंडी कैंडिडेट बनाया है, समझो कि ऐसे नहीं कि उसको डाल दिया। तो भाई और भी लंबा जो है टाइम रहता है यूक्रेन के लिए, क्योंकि भाई स्टेटस देने, कैंडिडेट स्टेटस देने का ये मतलब नहीं कि उसको 1 महीने में डालेंगे या 2 महीने या 3 महीने में। तो जो फास्टेस्ट जो दो कंट्रीज हैं, एक ये अपना फिनलैंड, फिनलैंड है, दूसरा स्वीडन है, ये यूरोप में जितने भी कंट्रीज है ना, फास्टेस्ट इनको मेंबरशिप दिया था EU ने, और इनको भी फास्टेस्ट में भी इनको 3 साल लगे थे मतलब कि आने में। तो यूक्रेन का भी यही सीन है भाई, उनको भी जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि बस स्टेटस मिल गया तो बस वो ऐसे ही भागे चले आएंगे कि भाई EU में जा रहे हैं। और उसके अलावा भाई ये जो कैंडिडेट स्टेटस है, ये और भी बहुत कंट्रीज़ को है, जैसे तुर्की को है, सर्बिया को है, और उसके अलावा और भी हैं। वो जो है ना पता नहीं, वो 10-20 साल 30 सालों से उनको स्टेटस ये मिला हुआ है। स्टेटस मिलने से कुछ नहीं होता, स्टेटस बस उसको रखते हैं, जैसे होल्ड पे लगते हैं रखते हैं। और जो मेन काम ये होता है कि स्टेटस के बाद वो काम कैसे करते हैं और कितना जो है वो स्पीड से काम करते हैं। तो ये जो है ना सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये मतलब कि कैंडिडेट होने के बाद ये बातें, या इनके जो किस तरह से चलती हैं, इनकी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं यूक्रेन के, वो किस तरह ये चेंज करते हैं। वहाँ पे यार इतनी करप्शन है हर डिपार्टमेंट में, वो सब उनको ख़त्म करना पड़ेगा वरना ये लोग नहीं देंगे। बाकी ये है कि EU वाले भी भाई बहुत मतलब एग्री हैं उनसे, क्योंकि जिस तरह से ना इन लोगों ने रशिया से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, दरअसल ये अपने हथियारें बेचते थे, ये वो करते थे रशिया को, जो अभी वही हथियार रशिया जो है यूक्रेन के उसमें वार में इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी वजह से ये लोग भी कह रहे हैं कि यूक्रेन को डालेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, हमें तो यही लगता है। देखो अब जैसे तुर्की है ना भाई, 1999 में तुर्की को जो है वो कैंडिडेट स्टेटस मिला था उस टाइम से, और जो इनकी बातें फिर शुरू हुई थी कि हम जाएंगे EU में, वो मतलब रूल वगैरह के बारे में, वो 2005 में हुई थी। और उसके बाद जो है वो तुर्की खुद ही साइड हो गया, क्योंकि उनको मे भी नहीं आना था, अगर आना था तो भाई सारी चीज़ें डिपेंड करती है बातें पे, मतलब उनके रूल किस तरह चेंज करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ तो गाइस, अभी जो है ये यूक्रेन और मोल्डोवा का जो है, ये इन दोनों को जो है इन लोगों ने कैंडिडेट जो है स्टेटस दिया है, और बाकी प्रोसेस शुरू होगा भाई, मतलब के टाइम तो लगेगा। अभी 2022 है, 2 साल तो भाई लग जाएंगे इस तरह करके, पर ये डिपेंड करता है, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि लगेंगे, हम लोग कह रहे हैं लगेंगे, पर डिपेंड करता है कि वो जो है किस तरह से चलते हैं, अपने लॉ वगैरह को चेंज करते हैं नहीं करते हैं।
और भाई ये मतलब के जो है ना, कम से कम 5 सालों से इनका ख्वाब यही था कि EU में जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर EU है, वरना उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं है। तो ये लोग ऑलरेडी, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की भी हुई हैं, ऐसी नहीं, इनके जो बहुत सारी चीज़ें इनके सेम ही हैं, पर बहुत सारी चीज़ें सेम नहीं भी हैं। पर देखते हैं भाई क्या टाइम ये लोग लेते हैं, बाकी ये है कि डालेंगे, क्योंकि भाई वो EU का जो ये अपना कमीशन का हेड है, वो पूरा दिन उधर की में होता है, चाय पीने आता है, और यूरोपीय यूनियन ये अगले दिन वो जर्मन का जो चांसलर है, फ्रेंच का प्रेसिडेंट है, और ये इटली का, वो लोग भी आते रहते हैं, ये वो। तो अभी EU वाले जो है कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को जो है आने में। अब ये है कि टाइम कितना लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते। हम भी भाई कहते हैं कि जल्दी आए, क्योंकि हम अपनी गाड़ी उधर छोड़ के लाए हैं, अगले महीने करते हैं तो वाह वाह भाई, हम लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, इधर जाएंगे, गाड़ी भी लेके आएंगे। पर अगले महीने तो अगले साल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है ना बहुत टाइम लगेगा इनको। वही उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस पे जो आप करते हैं, तो उनके उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर, मैं एज 18 ईयर, कैन आई गेट पुर्तगाल वर्क वीज़ा, प्लीज़ गाइड मी। तो भाई आप कर सकते हो अप्लाई, जिसके पास भी पासपोर्ट जो है वो बना हुआ है, वो चाहे विजिट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, वो जो है अप्लाई कर सकता है। और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो है आप बनवा के जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप दे सकते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके बाद है, क्या इस्लामाबाद में पुर्तगाल एम्बेसी ने ये वीज़ा इशू करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है क्या? आई हर्ड दैट पुर्तगीज गवर्नमेंट जस्ट अनाउंस दिस न्यू वीज़ा पॉलिसी, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये जो मतलब हमने वीडियो बनाई थी सीजनल वर्क परमिट के हवाले से, उसके हवाले से क्वेश्चन था कि ये अभी जो है वीज़ा इम्प्लीमेंट मतलब देना शुरू कर दिया है या नहीं। तो ये है कि ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था, तो इन्होंने जो है वो सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की हैं, ये कोई नई कैटेगरी इन लोगों ने जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है। तो इसलिए ये जो है आप अगर एम्बेसी पर जाओगे, एम्बेसी की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर ये कैटेगरी आपको मिलेगी, और आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो चेंजेस हुई हैं वो जो है कब इम्प्लीमेंट करेंगे वो उस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन आप इस कैटेगरी के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करें, ये तो आपने मेंशन नहीं किया, जो ये भी उसी वीडियो के रिलेटेड है। मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई थी कि वर्क परमिट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उनमें से जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी था। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट भाई आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं कि आप जो है किसी कंपनी के साथ या किसी जो है वो मतलब कंपनी के साथ ही कांटेक्ट करें, अगर उनको कोई जॉब की ज़रूरत है, अगर आप आपको जो है वो जॉब देना चाहते हैं तो वही आपको जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट देंगे, या फिर जो है आप किसी एजेंट को ढूंढें जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा के दे। यहाँ का यही दो तरीके हैं, आप जो उस तरह से ले सकते हैं। और उसके बाद है सारी ये तो बताए ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करें, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो है भाई, अगर कोई शेफ का कोर्स करके आए 2 ईयर का, तो कितनी सैलरी मिल जाती है? भाई यहाँ पर एक तो आपका ये शेफ का कोर्स अगर करके आओगे तो ये प्लस पॉइंट है, और अगर जो है आपको लैंग्वेज आती है, यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जिस भी कंट्री में जाओ यूरोप में यही प्रॉब्लम होता है तकरीबन। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है और स्किल्स हैं, सर्टिफिकेट वगैरह हैं, और प्लस लैंग्वेज भी आती है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुर्तगाल में जो है आपको 1300 से 1200 यूरो स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप जो है 1000 तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास फुल्ली एक्सपीरियंस है और जो है आपके पास कोर्स वगैरह भी हैं इस तरह के। उसके बाद है भाई, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, टेम्परेरी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट पर पाकिस्तान सफ़र कर सकते हैं या नहीं? तो भाई आप पाकिस्तान नहीं सफ़र कर सकते बिल्कुल भी नहीं, ये जो है टेम्परेरी प्रोटेक्शन पे, क्योंकि ये उसी बेस पर दिया गया है कि आप पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। तो उसके बाद है भाई, सुना है पोर्टो इज़ बेस्ट फ्रॉम लिस्बन, क्योंकि पोर्टो में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, बेड स्पेस कितने मिल जाते हैं? तो भाई पोर्टो जो सिटी है वो लिस्बन से छोटा है,
इस वजह से लिस्बन में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू पोर्टो। अगर आप कंपेयर करने बैठते भी हैं तो ये दोनों सिटीज़ एक ही जैसे हैं, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ इतना, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये भी आपको वहीं अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ज़्यादा मिलेंगी। और यहाँ पर जो बेड स्पेस आपको मिल जाता है वो तकरीबन जो है 250 यूरो या 200 यूरो तक। अगर आप जो है एक रूम में तीन बंदे रहते हो तो फिर सस्ता पड़ जाता है, मतलब 100 यूरो का। अगर दो बंदे रहते हो तो फिर बढ़ जाता है 150 यूरो का। अगर फिर आप अपना अपार्टमेंट लेते हो तो फिर और बढ़ जाता है, 250 यूरो आपके लग जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बंदे एक रूम में रहते हो और कौन सा अपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो भाई आज के लिए यही सारे क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन कल जो है इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में फिर आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।